लेकिन नवे शेकी दो साल बाद शौक चिन्ह हो रहे ने या चंद साल तो शौक कर रहे जिन्होंने एक अच्छी गाइडलाइन नहीं मिलती भी उन्होंने वास्ते कोई छोटिया दो तीन टिप्स दे दो ताकि कितों कबूतर उन्होंने परचेज करना है कितों कबूतर लेना है आसानी हुई क्योंकि हर बंदा पहले कह रहा था ब्लड 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 है कोई जवाब नहीं मेरे ख्याल में कोई जवाब नहीं गा बाकी खून जो बनाया मैं बना खुद दो नर लाओ दी बच्चे बनाओ बीमारी पै गए कबूतर दोस्तों बचे बीमारी पै गए कबूतर विखावे मीए घरों माती आई सी डर भी ना कि लाए एक माधी च आठा ने प्यो दोगे दूसरी माधी च फिर आठा ने प्यो दोगे लाओगे रुपया फिर एक खून और बन दिया एक तुसी जोड़ा लाया निकले ने बचे एक टैडी लाया लाल अखा लाया एक बच्चा निकलिया टैडी एक निकलिया लाल अखा टैडी बच्चे टैडिया च पाओ बारह ने टैडी हो गए चार ने लाल अखा यह खून बन गया दो तरीके ने खून बना जिस खिडारी ने बारह ने एक नसल बना ली ना उन्हें समझो नसल आप ही तोड़ चार ने खून बन गए दो तरीके खून बना जितो पता कर ब्लड जी ब्लड ब्लड का की पता है अच्छा ब्लड कमी है फर्क अच्छे ब्लड लाइन लै लेंगे अगर ब्लड लाइन तो कबूतर उड़ते एक ब्लड लाइन सारे कबूतर क्यों नहीं उड़ते पिछले टाइम तक उड़ता है शाम तक उड़ता है पठिया पठे बिलकुल उस कैटागरी बनते हैं अगो पठिया पठिया फिर पठिया पठे उस कैटागरी बनते हैं एक ब्लड लाइन होगी जिदे तो डिपेंड करता परवाज है जिदे तो उन्हें उड़ना ठीक है देखो जो कबूतर उड़ के आर भी सेम रही हर चीज सेम रही
कमी किथे आउंदी है जिस्म दे घाटा वाधा कमी ओदे जिस्म दे घाटा वाधा हुंदा है हां जी हां जी पहला नंबर ओदा जिस्म जिस्म एक फीलिंग है जी जी ओ तुसी जो हाथ च लेंदे जो कबूतर नु बयान नहीं कर सकदे बयान नहीं कर सकदे फील कर सकदे उनु फील कर सकदे ठीक है वो अच्छे कबूतर अच्छे जिस्म दे कबूतर देखोगे थोनू उन्नी वो थोड़ी हाथ दी पहचान थोड़ी हाथ दी जिहड़ी अख किन्नी पहचान दी है वो तुसी यानी कि फील करके तुसी उनु दूसरा नंबर है अख ठीक देखो पहला नंबर जो हाथ च कबूतर आंदा ता बदन ही नहीं ना अच्छा देखो बदन दा साथ देंदी अख अगर साथ अख ना दे बदन दा फिर भी कबूतर की चैंपियन कबूतर नहीं बनता अख अच्छी है बदन अच्छा है और पर साथ नहीं देंगे ठीक है फिर नहीं है ये मेजर चीजा है उदू बाद फिर सारी दुम्ब हर चीज दूसरिया चीजा आंदियां मेन चीज यानी कि बदन है साजी अख दे विच असीं किवें पहचान कर सकते हैं कि एक अच्छी अख है ते एक अख च नुक्स है ठीक है जी कच्ची अख ते पक्की अख हुंदी है ठीक है जिस अख च तुसीं कह लो कि जंग टाइम जंग यानी कि ठीक है जिन्ना ज्यादा होगा खवा अख लाल हो खाफ सफेद हो आया कि वो पीली हो जिन्ना जंग का अंसर होएगा ना ठीक वह अख उन्नी ही पक्की होएगी ठीक है अगर तुसीं वो पिंक अख ले लो ना जिहड़ी टॉप की अख है क्रॉस विच अगर वो जंग का अंसर नहीं है ना बिलकुल वह भी अख फेक है यानी कि जंग टाइप जिहड़ा हैगा वो मजबूती है वो यानी कि कबूतर नूं जदों उड़दा ना पहला नंबर उहदी अख तों गर्मी शुरू हुंदी है जिस तरह इंसान गर्मी विच फिरदा ना उहनूं जदों गर्मी फील होगी अखां तों होएगी उहदी अखां च दर्द होएगी अखां च यानी कि महसूस करेगा इसे तरह ही कबूतर जिहड़ा अपनी गर्मी तिल तों शुरू करदा ठीक है तिल पहला रिंग जमीन लाली आउटर रिंग वह फिर उहदे दिमाग नूं जांदा है जिन्नी अख मजबूत होएगी ठीक है कबूतर जिहड़ा हैगा अख तो यानी कि उहना घबराएगा नहीं परेशान नहीं होएगा बाकी तिल छोटा रिंग पूरा होने चाहिए ने जमीन मजबूत होनी चाहिए है लाली विच जिवें यानी कि जंग दा अंसर जिन्ना ज़्यादा होएगा आउटडोर रिंग यानी कि जिन्ना मजबूत होएगा कबूतर समान च उन्ना रुकदा वापसी उन्नी ज़्यादा होनी बिल्कुल ठीक है मतलब माशाल्लाह अलहम्दुलिल्लाह बहुत कमाल की गुफ्तगू बड़ी शानदार गुफ्तगू माशाल्लाह और उम्मीद है कि दोस्तों बड़ी पसंद आएगी गुफ्तगू नाल नाल चलती रहेगी हूँ मैं रिक्वेस्ट करा उस्ताद अकमल साहब को कि सानू चंद परिंदे का शौक भी करवा देवन ताकि साढ़े वेखना शौकीन दरा जोड़ियां दे विच जी सब तो जेड़ा अच्छी गल मादी अच्छी होनी चाहिए मादी अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल ठीक ओदी दुंब छोटी होनी चाहिए मादी दी दुंब छोटी होगी नर दी थोड़ी जी लंबी होगी वो कवर कर लेगी जी जी नर नहीं कवर करता मादी दी दुंब वड्डी नहीं होनी चाहिए जे तुसी जोड़े च पा ली मापन लंबी तो सलारा कबूतर होवे चीना कबूतर होवे ओदी बगल एक चिट्टी होवे बगल ओदी चिट्टी होवे ओ सब तो अच्छा हुंदा बगल एक चिट्टी बगल पर चिट्टा पार सलारा कबूतर चीने कबूतर जगह मियां साहब ने दो बगल पर चिट्टे सी पसंद किए मैं साथ ही है कि उन्हें है वो ठीक है बड़ी उड़ती उड़ती ज्यादा सी एक जिदे पर चिट्टा सी पर उन्हें दुम्ब दे दुम्ब लम्मी ओरी दुम्ब उतो मसूर मियां साहब दुम्ब नूं तरजीह दे जिन्नी भी गल्लां बातां ने नोट लाज़मी करे।